हेलो एवरीवन माय नेम इज नम्रता सिंह और आज हम लोग साइकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट शुरू करने वाले हैं और ये सब्जेक्ट बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो रेगुलर डेली वाइस पे क्लास करिएगा आप लोग देन चलते हैं साइकोलॉजी होता क्या है साइकोलॉजी ग्रीक ग्रीक टर्म से लिया गया है जिसमें दो चीजों में हम डिवाइड करते हैं पहले तो साइकी और दूसरा लॉजी मतलब स्पिरिट और सोल और स्टडी तो साइकोलॉजी होता क्या है साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर हम लोग साइकोलॉजी uh, एक साइंस की स्टडी है जिसमें हम लोग माइंड और बिहेवियर की स्टडी करते हैं और साइकोलॉजिस्ट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं इसमें करते क्या है वो स्टडी करते हैं और ह्यूमन पैटर्न ह्यूमन माइंड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और मेंटल प्रोसेसेस क्या है ब्रेन फंक्शन क्या है और उसका बिहेवियर उस इंसान का बिहेवियर कैसा है ये सारी चीज़ हम साइकोलॉजी के अंदर मनोविज्ञान के अंदर पढ़ते हैं ठीक है अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा मेंटल प्रोसेसेस क्या है इसमें बहुत सारे कॉगनेटिव फंक्शंस आते हैं जैसे लर्निंग मेमोरी परसेप्शन ये सारी चीज़ें आती हैं ब्रेन फंक्शन हमारी ब्रेन की क्या एक्टिविटी है वो जानने की हम कोशिश करते हैं साइकोलॉजी में देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं तो स्कोप्स क्या है अब जैसे कि हमने किसी चीज की पढ़ाई की पर हम उसका यूज कहाँ करेंगे स्कोप क्या है साइकोलॉजी का तो साइकोलॉजी का पहला यूज पहला स्कोप क्या है क्लिनिकल साइकोलॉजी तो जानते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजी होता क्या है देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजी का मोस्टली हम लोग यूज हॉस्पिटल जब हम क्लिनिकल्स में जाते हैं हॉस्पिटल्स में जाते हैं जहाँ पे पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वहां पे इस साइकोलॉजी का यूज करते हैं जैसे कि हम लोग फोकस करते हैं एसेस करने की कोशिश करते हैं जैसे कि मेंटल प्रॉब्लम्स या फिर बिहेव इमोशनल या फिर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को यहाँ पे हम लोग डील करते हैं ठीक है द नेक्स्ट है हमारा काउंसलिंग साइकोलॉजी अब जानिए काउंसलिंग होता क्या है काउंसलिंग एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है ठीक है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है जिसमें दो लोग होते हैं एक तो काउंसलर होता है दूसरा काउंसिलि होता है हमेशा जो काउंसलर होता है वो काउंसिलिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को फॉलो करते हैं और ये इंडिविजुअल को इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स को या लाइफ चैलेंजेस को डील करने में हेल्प करता है जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शॉर्ट आउट करता है उससे कोप करने के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है काउंसलिंग साइकोलॉजी देन हमारा है एजुकेशनल साइकोलॉजी अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी मोस्टली टीचर्स भी हेल्प करते हैं जैसे एजुकेशनल फील्ड में जिस साइकोलॉजी को हम लोग यूज़ करते हैं या अप्लाई करते हैं जैसे कि मोस्टली लर्निंग प्रोसेस और एजुकेशनल सिस्टम पे हम लोग जो भी साइकोलॉजी एसेस करते हैं या हम लोग जो भी साइकोलॉजी यूज़ करते हैं ठीक है टीचिंग और लर्निंग कराने के लिए हम जो भी साइकोलॉजी यूज़ करते हैं इसको एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं देन नेक्स्ट हमारा क्या है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी डेवलपमेंट का मतलब आप सभी जानते होंगे उसका मतलब विकास होता है तो एक हमारे लाइफ स्पैन पूरी लाइफ में जो भी हमारा ह्यूमन ग्रोथ है या फिर ठीक है जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस है पूरी लाइफ स्पैन में पूरे लाइफ में तो हम उसको डील करते हैं किसमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में और ये क्या करता है फिजिकल कॉग्नेटिव या फिर सोशियो इमोशनल चेंजेस को क्या करते हैं इसमें हम लोग डील करते हैं नेक्स्ट स्कोप और ब्रांचेस पे चलते हैं नेक्स्ट स्कोप है हमारा सोशल साइकोलॉजी अब जाहिर सी बात है एक इंसान एक पर्सन हमारी सोसाइटी में कैसे रह रहा है ठीक है और सोसाइटी की बातें सोसाइटी की परसेप्शन उस पर क्या इफेक्ट कर रही है ये हम सोशल साइकोलॉजी में मोस्टली पढ़ते हैं ठीक है तो ये क्या है सोशल साइकोलॉजी का पार्ट है द नेक्स्ट हमारा क्या है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी जैसे कि एक इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ जो मेन एम्प्लॉयर हैं जो कोवर्कर हैं जो मेन हेड है उनके साथ कैसे वर्क कर रहा है कैसे रहता है उनका परसेप्शन उनका कॉग्निशन और क्या है और एम्प्लॉय की को मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं उन पे लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो रही है कि नहीं ये सारी चीज़ हम लोग इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में डील करते हैं ठीक है इंडस्ट्रियल वर्कर को पूरा पूरी तरह से हम एनकरेज करने की कोशिश करते हैं यहां है हमारा फॉरेंसिक साइकोलॉजी अब देखिए साइकोलॉजी का एक नया स्कोप हमें मिला फॉरेंसिक साइकोलॉजी मतलब कि क्रिमिनल बिहेवियर क्रिमिनल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हम क्या क्या कैसे डील कर रहे हैं ये फॉरेंसिक साइकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं ठीक है द नेक्स्ट है नेक्स्ट आते हैं हम हेल्थ साइकोलॉजी क्या है अब हम जानते हैं कि जो भी मेंटल हेल्थ है वो कभी भी हेल्थ का कंपोनेंट होता है ना हेल्थ की डेफिनेशन हमने पढ़ी होगी आपने भी पढ़ी होगी तो डब्ल्यू एच ओ ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है उसमें मेंटल हेल्थ भी हमारा एक क्या है डायमेंशन है डिमेंशन है और उसमें इंक्लूड होता है तो अगर कोई पर्सन मेंटली हेल्दी नहीं है तो उसको हम हेल्दी नहीं मानते हैं तो यहाँ पे हेल्थ साइकोलॉजी में क्या हो रहा है ठीक है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और फिजिकल हेल्थ जैसे कि हमारा मेंटली हम जो सोच रहे हैं वो हमारे फिजिकल हेल्थ पे किस तरह से इंपेक्ट डाल रही है क्या 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 फैक्टर्स डाल रहे हैं मतलब एफेक्ट कर रहा है किस तरीके से ये सभी चीज हम लोग हेल्थ साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं ठीक है देन नेक्स्ट है हमारा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अभी हमने इंडस्ट्रीज पढ़ा था वैसे ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या होगा जो एथलीट है उनको एनकरेज कराना उनके काम को उनको प्रोमोट कराना उनका प्रमोशन कराना ठीक है यहां से तो ये चीजें हम कहाँ करेंगे कहाँ पढ़ाई करेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में इंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को देन नेक्स्ट है हमारा न्यूरोसाइकोलॉजी अब न्यूरोसाइकोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन फंक्शन एंड बिहेवियर ऑफ द पर्सन ठीक है कैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ये डील कर रहा है ये सारी चीज़ें इसको हम लोग न्यूरोसाइकोलॉजी में इंक्लूड करते हैं ठीक है ब्रेन फंक्शन को और किसी भी तरह की न्यूरो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के इंट्रेक्शन को यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं द नेक्स्ट हमारा है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ये मोस्टली हम लोग रिसर्च साइकोलॉजिकल जो भी रिसर्च कंडक्ट होते हैं वहाँ पे इसका यूज करते हैं ठीक है कंडक्ट रिसर्च टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल प्रोसेस कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंटल ऑफ द साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो भी साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं उनका यूज़ करके उनका एप्लीकेशन करके हम लोग कैसे ही रिसर्च कंडक्ट करा सकते हैं इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं देन लास्ट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मेथड ऑफ साइकोलॉजी क्या क्या है मेथड ऑफ साइकोलॉजी में कुछ चीजें आती हैं जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड पहला पॉइंट है ये अभी हमने पहले पढ़ा कि एक्सपेरिमेंटल स्कोप पढ़ा है एज ए स्कोप पर यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड में होता क्या है ये मोस्टली साइकोलॉजिकल रिसर्च जो होता है वहां पे हम लोग इसका एप्लीकेशन करते हैं और यहाँ पे हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखेंगे कैसे कोई इंटरवेंशन प्रोवाइड करके कोई प्रोवाइड करके ठीक है यहाँ पे हम लोग वो देखेंगे नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशनल मैथड ऑब्जर्वेशनल मैथड में मोस्टली हम लोग क्या करते हैं सिस्टमिक सिस्टमिक ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन करते हैं जैसे कि कि क्या होता है वहां पर को, कोई ऑफिस है वहां पे वर्कर हैं वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड में उनके काम को देखते हैं ठीक है वो कैसे काम कर रहे हैं वो सारे प्रोसेस हम देखते रहते हैं तो ये एक तरह से ऑब्जर्वेशनल मेथड में इसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं नेचुरल सेटिंग में जाके और विदाउट मैनिपुलेशन मतलब किसी भी तरह के चेंजेस के बिना हम कैसे कैसे वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर को ये सारी चीज़ हम ऑब्जर्वेशनल मेथड में इंक्लूड करते हैं द नेक्स्ट हमारा है सर्वे एंड क्वेश्चन सर्वे से आप लोग समझ रहे होंगे सर्वे कराना फॉर एग्जाम्पल एक गांव में हमें दस गांव को देखना है वहां पे हमको टीबी के मरीज को देखना है टीवर क्लोसिस के केस, को देखना है. तो वहां पे हम सर्वे कराएंगे दस गांव में दस दस लोगों को भेज दिया वहां से डाटा कलेक्ट किया और क्वेश्चन उनसे क्वेश्चन पूछा ये सारी चीज हम साइकोलॉजिकल रिसर्च में कर सकते हैं ठीक है देन हमारा क्या है केस स्टडी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दस ऐसे पेशेंट हैं जिनका मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम है तो हम उनकी आई को टेस्ट करेंगे इंटेलिजेंट क्वेश्चन को टेस्ट करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिरकार उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है ठीक है तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं केस स्टडी कर सकते हैं और उसकी इनडेप्थ एनालिसिस पूरी तरह से कंप्लीट एनालिसिस करेंगे उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में पूरी एनालिसिस करना इंटरवेंशन देना एज वेल एज उसकी स्टडी करना हम केस स्टडी में ये काम करते हैं देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज न्यूरो इमेजिंग टेक्निक ठीक है दिमाग की जो भी हम लोग इमेज के थ्रू ग्राफिक्स के थ्रू हम लोग कैसे स्टडी कर पाएंगे तो दो चीज़ें होती हैं एक तो एम और दूसरा ई का मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और ईईजी का मतलब इलेक्ट्रो सारे सभी चीजों के बारे में आपने कभी कभी मेडिकल uh, फील्ड में देखा होगा चाहे हॉस्पिटल विजिट करते हुए ये सारी चीजें आप देखोगे तो जब आप क्लिनिकल्स uh, पे विजिट करोगे तो आपको ये सारी चीजों के बारे में डीप एनालिसिस या पढ़ाई होगी या हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको स्टडी करेंगे ठीक है टू स्टडी द ब्रेन एक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर अब एम आर आई और ई जी हम लोग मोस्टली क्यों कराते हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखने के लिए और क्या ब्रेन की एक्टिविटी है उसको स्टडी करने के लिए हम लोग ये देखते हैं ठीक है और यहाँ तक हम लोगों का टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो चुका है